हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हर रोज की तरह मैं आज भी नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग लेके आई हूँ। रीडिंग टाइमलेस है गाइस। जब भी जिस भी दिन आपके सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं, जिन भी पर्सन के बारे में सोच के देखेंगे उसकी एनर्जी पिक होगा। मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स वीडियो सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। जिनकी भी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, पेमेंट करके, पैसा देके रीडिंग बुक करना होता है। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो लोग मुझे व्हाट्सअप करें, इस नंबर पे कॉल मैसेज ना करें। व्हाट्सअप पर ही आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और व्हाट्सअप पर ही आपको अपना रीडिंग प्रोवाइड किया जाता है। चलिए देख लेते हैं आज के दिन में आपके पर्सन की कारण सिचुएशन कैसा है। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स, जो लोग भी रीडिंग को देख रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में देखेंगे, स्पेशली जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, ब्लॉक या फिर ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, उनके पर्सन की करंट सिचुएशन कैसा है, करंटली क्या कुछ हो रहा है उनके पर्सन की लाइफ में, करंट सिचुएशन क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में। एस ऑफ सोर्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई का कार्ड है। जिनका भी साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टू ऑफ पेंटिकल, जैस्मिन कार्ड, एरिस, लियो, सजिटेरियस, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, बॉटम द डेक, ओके। तो आज के दिन में आपके पर्सन की एनर्जी कैसा है, राइट? आज के दिन में आपके पर्सन को किसी सिचुएशन में क्लैरिटी या तो मिल चुके हैं, या तो मिलने वाले हैं, या तो फिर आपके पर्सन कुछ क्लैरिटी आपको दे सकते हैं किसी चीज में, न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड क्लैरिटी, कम्युनिकेशन आज के दिन में कुछ लोगों को रिसीव हो सकता है, बातचीत हो सकता है, आपके पर्सन खुल के बातचीत कर सकते हैं, ओके। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन था, पैसों का इम्बैलेंस एनर्जी था, तो यहाँ पर आपके पर्सन उस इम्बैलेंस एनर्जी से बाहर आके एक फ्रेश न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आके फ्रेश न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, या तो फिर करियर को लेके जो भी इम्बैलेंस सिचुएशन था वहाँ पर बैलेंस आते हुए, या तो फिर यहाँ पर न्यू बिगनिंग होते हुए क्लियरिटी आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ओके। करियर के मामले में या तो फिर थर्ड पार्टी के मामले में आपके पर्सन यहाँ पर एक पावरफुल डिसीजन आज के दिन में ले रहे हैं, एक जजमेंट ले रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो इतने टाइम आपके पर्सन जो भी चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे थे, वो करियर के बारे में हो सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी के बारे में हो सकते हैं, उस चीज़ को आपके पर्सन डिसीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनका जो डिसीजन है उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है आज के दिन में। हेल्थ इशू हो सकता है उनको, किसी तरीके का चोट पहुँच सकते हैं आपके पर्सन को, उनका उनके अंदर एक सफरिंग वाली एनर्जी रहेगा कि घुट घुट के जीना, कि किसी सिचुएशन में उनका दम घुट रहा है फिर भी वो जी रहे हैं, थोड़ा इनसिक्योर्ड है सिचुएशन को लेके कि ये सिचुएशन कभी सही होगा भी या फिर नहीं, उनके अंदर इनसिक्योरिटी है, डर है, स्पेशली फाइनेंस को लेके, या फिर आपके साथ अगर ब्रेकअप सिचुएशन है तो उसको लेके, या फिर उनके घर में किसी का बहुत बड़ा हेल्थ इशू है, उनको बहुत बड़ा हेल्थ इशू है, तो आपके पर्सन को डर है, वो डर रहे हैं कि वो हेल्थ इशू रिकवरी होगा या फिर नहीं, या फिर उनके फाइनेंस में जो प्रॉब्लम है वो रिकवरी होगा कभी भी या फिर नहीं, या फिर आपके साथ अगर कोई ब्रेकअप सिचुएशन है तो वो सोच रहे हैं क्या ये ब्रेकअप सिचुएशन कभी भी एंड होगा, आपके साथ जो डिस्टेंस आया है क्या वो कभी भी ख़त्म होंगे, ऐसा उनकी सोच है आज के दिन में। चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि ये सारे कार्ड्स क्यों आए हैं आज के दिन में उनकी एनर्जी में। प्लीज एंजल कार्ड्स को क्लैरिफाई करें इस डेक से। एस ऑफ सोर्स, किस टाइप के न्यू बिगनिंग होंगे,
कहाँ पर क्लैरिटी मिलने वाले हैं उनको, क्या क्लैरिटी है, कौन सी एरिया फील्ड में उनको क्लैरिटी मिलने वाले हैं। ओके, जिन भी सिचुएशन में आपके पर्सन हैंग्ड थे, अटके हुए थे काफ़ी टाइम से, टेम्परेंस उस सिचुएशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ वैंस, बहुत जल्द आपके पर्सन वापस आ सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कम्युनिकेशन यहाँ पर रिसीव हो सकता है, यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी है। देखिए, एक लड़की है जो कि विंडो पे एक कैंडल लेके खड़े हुए है और उनके कान में फोन है, वो किसी से बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो साइन बना है वो है मैसेज के, तो डेफिनेटली कॉल मैसेजेस आने वाले हैं, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और आपके साथ उनका जो रिश्ता है उसको बैलेंस कर लेना चाह रहे हैं, पीसफुल रिजोल्यूशन लेके आना चाह रहे हैं। आज के दिन में आपके पर्सन की हेल्थ इशू हो सकता है या फिर उनके घर में किसी का हेल्थ इशू हो सकते हैं। टू ऑफ पेंटिकल, आप में से कुछ लोग आज के दिन सोए सोए बिता सकते हैं अपने घर में, अपने बेड पे लेटे लेटे बिता सकते हैं ज़्यादातर टाइम। टू ऑफ पेंटिकल क्यों आए हैं, प्लीज एक्सप्लेन काइंडली, टू ऑफ पेंटिकल क्यों आए हैं। प्लांट शॉप, यहाँ पर आपका या फिर आपके पर्सन की प्लांट शॉप हो सकते हैं, या तो फिर आपका डिजायर हो सकता है कि आपका एक प्लांट शॉप हो, या फिर किसी का इच्छा यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन पेंटिकल के लिए काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं, खुद के करियर के लिए, खुद को करियर, खुद की जो करियर है पेंटिकल है उनको सही करने के लिए काफ़ी टाइम से वो मेहनत कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, वो हार्डवर्क कर रहे हैं। ठीक है, जो भी वो काम करते हैं वहाँ पर लगातार हार्डवर्क करते जा रहे हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, इम्बैलेंस एनर्जी है, तो वो मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, प्रेयर कर रहे हैं या फिर इतना ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों को कि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो भी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो भी चीज़ को हम इमेजिन करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन मैजिशियन बने हुए हैं और वो चाहते हैं उनके करियर में अचानक से मिरेकल हो जाए, अचानक से उनको किसी फाइनेंशियल गेन हो जाए, और ऐसा नहीं है कि वो हार्डवर्क नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, लेकिन वो काम कर रहे हैं, पेशेंस रखे हुए हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, प्लानिंग के अनुसार वो काम कर रहे हैं, हार्डवर्क भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट के नाम पर उनको कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऐसा एनर्जी आप में से कुछ पर्सन की हो सकते हैं, कुछ लोगों के पर्सन की हो सकते हैं। जजमेंट कार्ड क्यों आए हैं यहाँ पर, प्लीज एंजल गाइड करें, जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्यों आए हैं। चैरियट, आपके पर्सन डिसीजन ले चुके हैं कहीं ट्रैवल करने के लिए, या तो फिर आपके तरफ वापस आने के लिए डिसीजन ले चुके हैं, वो अपनी पावर में है, स्ट्रेंथ में है। ठीक है, थ्री ऑफ कप्स, किसी टाइप के पार्टी सेलिब्रेशन गैदरिंग अटेंड कर सकते हैं। ओके, आपके पर्सन नाइन ऑफ सोर्स, उनका स्लीपलेस नाइट है, रात को सो नहीं पा रहे, एंजाइटी है, परेशानी है, मून की एनर्जी है, दी मून कार्ड यहाँ पर इमोशनल है, काफ़ी मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, किसी टाइप के अपसेडनेस, मूड ऑफ एंड डिप्रेशन, एंजाइटी, इस टाइप की एनर्जी को यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो जिनके पर्सन एडिक्टेड है किसी एडिक्शन से है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आज के दिन में वो ड्रिंक भी कर सकते हैं, आज का दिन उनका स्लीपलेस जा सकता है, या फिर काल की नाइट, ठीक है, स्लीपलेस गया है, ऐसा भी हो सकते हैं आपके पर्सन के लिए। तो चैरियट का कार्ड, उन्होंने एक एक्शन लेने के लिए, मूवमेंट के लिए डिसीजन ले चुके हैं। ओके, और अपनी पावर में है, अपनी स्ट्रेंथ में है, ऐसा नहीं है कि वो डर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा डर है उनके अंदर, डर है, लेकिन इस डर से वो बाहर आने की कोशिश में है। ओके, डर नहीं है, ऐसा नहीं है, इनसिक्योर्ड है, जैसे कि मैंने कहा कुछ चीज़ों को लेके इनसिक्योर्ड है, लेकिन डेफिनेटली वो डर डर के ही सही, लेकिन यहाँ पर एक्शन ले चुके हैं। ओके, और स्लीपलेस नाइट है उनका। नाइन ऑफ वैंस क्यों आए हैं, जस्टिस, फोर ऑफ पेंटिकल, तो वो चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो। ठीक है, डिवाइन की तरफ से जो भी उन्होंने हार्डवर्क किया है, पैसों को लेके, पेंटिकल को लेके, रिलेशनशिप को लेके, वहाँ पर उनको रिजल्ट मिले। और आपके पर्सन किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं पेंटिकल की तरह, जेबोर की तरह। और यहाँ पर हैरोफेंट की एनर्जी है, उनको नॉलेज विजडम इस दौरान बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, ट्रेडिशनल चीज़ों को आपके पर्सन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी के तरह आपके पर्सन और ज़्यादा जो है उनका झुकाव बढ़ रहा है,
और यहाँ पर शादी की भी एनर्जी है कि आपके पर्सन आपके साथ लीगली शादी करना चाहते हैं, लीगल मैरिज चाहते हैं, ओके। लेकिन इस चीज़ को आपके पर्सन हाइड कर रहे हैं, ये उनका सीक्रेट एनर्जी है। फाइव ऑफ पेंटिकल क्यों आए हैं, प्लीज एंजल गाइड करें। यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों आए हैं, सारे साइन आ चुके हैं, मैंने सारे कार्ड्स ले लिए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर सारे साइंस आ चुके हैं। एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन। पाइसिस काफी स्ट्रांग है, ओके। तो आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है कि किस तरह वो जाए, क्या डिसीजन वो ले, ठीक है। उसकी वजह से कंफ्यूज्ड मुझे नज़र आ रहे हैं कि उनके पास तरह तरह की ऑप्शन है, या तो फिर तरह तरह की रास्ता है, प्रायोरिटी है, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो, एक तरफ उनका करियर है, एक तरफ हेल्थ इशू है, ठीक है, एक तरफ सोसाइटी के मैटर्स है, लीगल मैटर्स है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो तरह तरह की प्रॉब्लम की वजह से आपके पर्सन जूझ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आपके पर्सन चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर गाइडेंस ये है, गुड लक चम, ठीक है। अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है सही से, तो यहाँ पर स्कार्ट, यहाँ पर आपको स्पेल करने के बोला जा रहा है कि कास्ट ए स्पेल, इफ नथिंग सीम्स टू बी गोइंग योर वे, कास्ट ए स्पेल। तो आप स्पेल करें, मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करें, ताकि पॉजिटिव चेंजेस आपके तरफ आए। बॉटम द डेक में से है सन कार्ड, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्शन होगा, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपके पर्सन के लाइफ में। लेकिन फिलहाल उनको ये सारी चीज़ें फेस करनी है, ताकि यहाँ से उनको जो भी नॉलेज विजडम मिलना है वो उनको मिल सके, और आगे की उनका जिंदगी जो है बहुत अच्छी तरीके से वो बिता पाए, या फिर दूसरों को गाइड कर पाए, ठीक है। तो ये है उनका कारण सिचुएशन एंड कारण फीलिंग्स। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। गाइस आप लोग कमेंट किया करें, ठीक है, कौन सी चीजें, कौन सी सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रहा है, मुझे अच्छा लगता है कि कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है, कि आप कुछ आपके लाइफ में हो रहे हैं, ये जानने की इनसिक्योरिटी रहते हैं कि कितना आपसे ये चीजें जो है रेजोनेट कर रहे हैं, ठीक है। और जो लोग कमेंट कर रहे हो, आप सबको थैंक यू सो मच। कुछ नहीं तो एनर्जी एनर्जी के लिए आप लोग लाइक किया करें वीडियो को, प्लीज एंजल गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए लाइक किया करें, ओके। रियूनियन, थर्ड पार्टी से बाहर आके आपके पर्सन यहाँ पर रियूनियन के तरफ आगे बढ़ेंगे। और फिर से देखिए, माय गॉड, कार्ड जंप्स करके आ रहे हैं, और ये दोनों कार्ड जंप आउट हुआ है, और पोजिशन देखिए एक साथ हो गए हैं। हालांकि ये कार्ड लास्ट में आया था, लेकिन देखिए करंट एनर्जी में ये कार्ड पहले आए थे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव होगा विद इन अ डे या फिर विद इन अ वीक, ठीक है। तो कॉल मैसेजेस रिसीव होगा बहुत सारे लोगों को, जो लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पर वेट कर रहे हैं, मिनिमम 3 मंथ से आप लोग वेट कर रहे हैं, ओके। तो डेफिनेटली 3 to 7 months से जो लोग मिनिमम वेट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको रियूनियन की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन आपके पर्सन डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, आने वाले टाइम में भी एनर्जी हावी रहेगा उनके ऊपर, ठीक है। उनके अंदर एक डर है, डर के अंदर वो फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड इन फियर, साथ ही साथ वो किसी एनर्जी में ट्रैप्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको इतना डर है। इतना आसान नहीं है, इसीलिए ही प्रॉब्लम है। कब तक स्पिरिचुअल रियूनियन एंड हारमोनियस रियूनियन हो जाएगा। 7, मैंने कहा ना, विद इन अ डे, विद इन अ वीक। 7, माय गॉड, चैरियट का कार्ड विद द मेमोरी ऑफ लव। तो देखिए, ज़्यादातर लोगों को 1 week के अंदर कॉल मैसेजेस रिसीव हो जाएंगे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस करने वाले हैं आने वाले टाइम में। और अभी अभी चैरियट का कार्ड आया था, जो कि साइकिल का एक कार्ड था, वहाँ पर सेम एनर्जी है, यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है गाइस।
थ्रोट चक्र की एनर्जी क्यों आए हैं, क्या ओपन होगा थ्रोट चक्र? 5-5 मेजर चेंज, ओके यहाँ पर कुछ एंड होगा, ठीक है। तो आपके पर्सन इमोशनल साइड को यहाँ पर हाइड करेंगे, लेकिन उनके अंदर पार्जिंग होगा, कुछ चीजें एंड होगा और न्यू बिगनिंग यहाँ पर होंगे, ठीक है। क्या एंड होने वाला है, क्या सेपरेशन? थर्ड पार्टी सिचुएशन, 3 ऑफ सोर्स, मैंने कहा ना कुछ चीजें एंड होगा और न्यू बिगनिंग होगा। तो जो भी उनको तकलीफ दे रहा है, धोखा दे रहा है, चीट कर रहे हैं, वही सिचुएशन एंड हो जाएगा और वो आपके साथ शादी सेलिब्रेशन एंड कमिटमेंट लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यही पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, लेकिन यहाँ पर टाइम लगेगा। जिनको भी एंजल नंबर 1-4-3 दिख रहा है, ये उनके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं, ओके। और जिनको 2-2-2 दिख रहा है, यहाँ पर रियूनियन होने की पॉसिबिलिटी है। 1-1-1 दिख रहे हैं, 11-11 दिख रहे हैं, तो न्यू बिगनिंग और रियूनियन की एनर्जी हो सकते हैं। ट्रैप्ड इन फियर से क्या बाहर आएंगे, क्या ये ट्रैप सिचुएशन खत्म हो पाएगा? बहुत प्रॉब्लम है उनको लाइफ में, क्या ये ट्रैप्ड इन फियर से बाहर आएंगे? काफी टाइम सॉलिट्यूड में रहेंगे आपके पर्सन, सोच विचार करेंगे। 555 आ चुके हैं, मेजर चेंज यहाँ पर आएगा। 9-9 की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, वेटिंग सिचुएशन एंड होंगे, लेकिन टाइम लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो मिनिमम यहाँ पर 5 वीक तो लगेगा ही, ये जो थर्ड पार्टी वाला ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हुए है रिसेंटली, जो भी उथल पुथल चल रहा है, वहाँ से चेंजेस आने के लिए मिनिमम 5 वीक तो लगेगा आपके पर्सन की एनर्जी में चेंज आने में। प्लीज एंजल गाइड करें। लुक इन द बुक, जो भी आंसर आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो किसी बुक में है, आप स्टडी करो और वहां से नॉलेज लो, ठीक है। विश विशली मैनिफेस्ट करो, और जो भी आप विशेस को मांग रहे हो उनको सीक्रेट रखो, ठीक है। एक मैजिकल गेटवे ओपन हो चुका है आपके लिए, मैजिकल ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, ठीक है। तो एंजल की तरफ से मैजिकल ब्लेसिंग्स विद द जर्नी कार्ड विद द मैजिकल गेटवे, तो डेफिनेटली आपके लिए मैजिकल गेटवे ओपन हो चुके हैं, मैजिकल ब्लेसिंग्स आपके तरफ आ रहे हैं, ओके। और आपको मैनिफेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, जो भी आपका विशेस है चोरी छुप के आप मैनिफेस्ट करें, सीक्रेट रखें उनको, ठीक है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस एंड रीडिंग, होप आपको पसंद आए हैं। अगर आपसे रेजोनेट किया है तो डेफिनेटली कमेंट करें, आने वाले टाइम में रेजोनेट करते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करें। फिलहाल टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।